चोरन के हौसला भइल बुलंद, नौला के हार्डवेयर दुकान से रॉड के भइल चोरी। दरौदा थाना क्षेत्र के सिवान छपरा मुख्य पथ पर स्थित एनएच 531 के समीप से भारत हार्डवेयर दुकान से चोर जनबड़ सब शुक्रवार के देर रात प्रशासन के चुनौती देत 9 लाख के रड के चोरी के घटना के अंजाम देले बड़ा सा। घटना के बाद शनिवार के सुबह जब दुकानदार दुकान खोले पहुँचल हन तो देखल हन कि दुकान के शटर टूटल बा। घटना के सूचना दरौदा थाना अध्यक्ष के सरकारी नंबर पर फोन करे के प्रयास कैल हन तो संपर्क ना भइल ह। जौना के बाद घटना के सूचना वरीय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के देल गइल ह, लेकिन वहाँ के भी दौड़ैनी ह। व्यवसायी के शिकायत के घंटों बाद पुलिस ना पहुंचल, जौना से व्यवसायी में आक्रोश बा। हार्डवेयर व्यवसायी द्वारा बतावल गेल कि रॉड 15 टन के चोरी ट्रक पर लाद करके चोरी के अंजाम देहल गेल बा। भारत ट्रेडर्स के व्यवसायी रविकांत कुमार थाना में आवेदन दे के प्रशासन से कार्रवाई के मांग कैल हन। घटना के सूचना देहला के घंटों तक पुलिस ना पहुँचल रही, जौना से लोग में भय के माहौल कायम बा। पूछला पर अनुमंडल पुलिस राकेश कुमार रंजन बतलहन के सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंचल तो मामला में जांच करके कार्रवाई कैल जाए। थाना अध्यक्ष के मामला में तत्काल पहुंच करके कार्रवाई के निर्देश देवे के कहल गई है। रउआ के बता दी कि थाना अध्यक्ष छोटन कुमार के पदभार ग्रहण कैला के बाद लगातार क्षेत्र में अपराधी घटना जौन बा उ बढ़ गई बा। एक सप्ताह में लगभग आधा दर्जन जगह पर चोरी और लूट के घटना के अपराधी अंजाम देले बने। दरौदा प्रशासन से लोग के सुरक्षा के प्रति उम्मीद कम लौकता। काले हथियार के बल पर दरौदा में सीएसपी के लूट भई रहे और रात में ई 9 लाख के रॉड के चोरी हो गए। नमस्कार, हम रोहित रवा देखतनी मैच बॉक्स चली। एक बार फिर काल दरौदा में लूट के बाद फिर चोरी के घटना के अंजाम दल गई रहा। वो भी बड़ा लेवल पर, वो भी 15 टन छड़ के चोरी के घटना के अंजाम दल गई बटे। यही जी ट्रक लगा के देख सकते रही एनएच हटे और एनएच 531 के पास जोन भारत ट्रेडर्स बटे, और जी कैसे चोर होता सन आराम से 15 टन छड़ के चोरी कर ला तरह सन। और दरौदा थाना नाकाम भैया बराबर पेट्रोलिंग करे ले, लेकिन बराबर पेट्रोलिंग कर देखें तो बालू से रुपया लेत खाली रो दिखाई दी। और देखिए अंदर चले के प्रयास करते नहीं कि इस भारत ट्रेडर्स में 15 टन छोड़ के चोरी भइल बटे। वो आराम से ट्रक लगा के घटना बताए के प्रयास करते नहीं कि देखी पहले पीछे के रास्ता से आवत रह सन, पीछे के रास्ता से देख ली, और है जो नहीं लॉक बटे लॉक तोड़ देता सन। विकास भी अंदर से टूटल, अंदर से कैसे का भर रहा जैसे हमने सवेरे छोट भाई अल दुकान खोले रोज के भाते जन 6:30 बजे रोज आवे अल दुकान खोल लन सुबह तो जैसे अल तले तो बाहर ताला वाला फेंक लो, जैसे शटर में बाहर ताला मारल तो ताला अवेलेबल ना रहो तो इनका अथी भले फिर शटर एक भी तो उठ रहा जैसे उठा के फिर एक शटर नीचे गिरा दिए रहा, लेकिन पूर्ण रूप से ही गिरल ना रहा, थोड़ा सा एक डेढ़ एक फीट के आसपास जमीन से हाइट में शटर रहा। आओ तो शटर उठेल हन देखल हन ताकि छड़ जिसके गायब रहा। अच्छा, हमें ट्रैक्टर लागल रहा, अच्छा, तो चूंकि ट्रैक्टर के टेलर अंदर ले शटर ला ना, एक वजह से वो बाँच गई लो, चूंकि वो निकल नीचे से छड़ निकल नहीं खे पाई, बाकी एक ऊपर कम से कम 5 फीट हाइट पर छड़ रहा, चूंकि 4-5 दिन पहले छड़ लो, बाकी है ना जितना रहा, चूंकि 10 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm बहुत तरीका मतलब अलग अलग साइज के रड होला तो अलग अलग थाक मार के रखा ला, तो उमें हेजी से हेजी तक ले रड पूरा रख रहा, तो जो हेजी के जितना उठेल बा सारा उठ गई बा, वे उतना छड़ बचल बा, जोना के चलते वो ट्रेलर के वजह से वो निकल नहीं खे पाई, कंजेस्टेड में बा, एक के चलते वो बाँच गई, ऊपर के भी छड़ निकाल ले हल बा। पहले जैसे हमने अनुमान करते नहीं कि पीछे से आके देखिए गेट से पता नहीं, हाँ एक अंदर 10-12 फीट गड्ढा बा,
अच्छा 10 से 12 फीट गड्ढा बा रेलवे वाला लोगन। ओकरा बाद उतना हाइट पर चढ़ के देख ली केवाड़ी के पाला लोहा के गेट हो। ओकरा बाद भी इस स्थिति में गेट के पता ना कौन यंत्र का लगे बा कि देखत नहीं उतना मोटा मोटा रड 5-5 mm के मोटा रड में नट लगावल बा। ओकरा के दोस्त कह के ओकरा के खसका के चुकी हूं मैं अंदर से भी ताला बंद रहे। अच्छा तो ओकरा के ताला फिर अंदर से पता ना किंग घुस के उनार के चुके देखत नहीं भी पूरा पूरा टूट गया। हां ओकरा बाद हां तब ताला तोड़ के लोहा के गेट तुर के ओकरा बाद आके चूंकि हाउ लॉक में अंदर से एक्स्ट्रा लॉक लगवावल बा अंदर से उथी जोड़ल बा एक्स्ट्रा लॉक लगावल हां शटर में एक्स्ट्रा लॉक लगल बा अंदर से ने रड जोड़ रहल जेना कर देख सकत नहीं कोना तरीका से नवा के लॉक के तुरल गेल बा अंदर से चूंकि ई बाहर से टूटल नहीं खे। अच्छा बाहर से नहीं टूटल हेवी में बा तो ई बाहर से टूटल नहीं खे तो चूंकि बाहर से नहीं खे टूटल तो हैसे रही नु तो एकरा के खोंती लगा के देखिए देने कुछ से नवावल बा एकरा के नवाओ बा के तुरल बा फिर हो में तुरल बा पहले ऊपर हां बे तो ओकरे तुरल बा के अंदर आवे के कोनो रास्ता होखे जब एमे से नइखे रास्ता मिलल त फिर पीछे के रास्ता से चूंकि बालू वालू छिटाइल बा हने से अच्छा पीछे के रास्ता से हां ऐसे ने छिटाइल बवे त एही के वजह से हम अनुमान करते हन कि हो सकत के यही पड़े जाके आहे जी ट्रक के अन्य से सुबह तो चक्का के निशान रहल हां जी ले ट्रक के चक्का के निशान रहल सिवान के तरफ ओकर माने टायर के निशान रहल जाय वाला खास भी आए को बात समझ में नइखे आवत। दरौंदा थाना के बराबर हम पेट्रोलिंग देखेली लगभग रात के ले ली चाहे ले ली 8 या 9 बार घूमे ले ट्रक लगा के चोरी हो जाता गाड़ी दरौंदा थाना के रोज जी लागत रहल शाम के हाँ। तो हम निश्चिंत रहते सन कि भाई गाड़ी तो हमेशा जी रहबे करला हाँ। लेकिन वो गाड़ी सुरक्षा बिना वसूली खातिर खड़ा रहता। अच्छा, वसूली खातिर बालू के अदारू के हाँ? दोसर का मान ली के बेरा अब सुबह से हम एगो पत्रकार बनी रोजानते बनी ओकरा बाद भी सुबह हमरा जैसे भाई हमारे अलो हन दुकान खोले सूचना दिल हन ओकरा बाद हम लगातार दरौंदा थाना के नंबर पर कॉल कनी ह 84 94 318 22 463 पे लेकिन थाना प्रभारी नंबर बिजी टोन में रखल गेल इतना नंबर व्यस्त जात रहल खाली बिजी 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 थाना प्रभारी के हाँ एक बार भी दरौंदा थाना के नंबर पर संपर्क ना भइल चूंकि अभी नया प्रभारी बड़े पर्सनल नंबर नहीं खे हमनी के लगे चूंकि पहले प्रवीण जी रहनी तो वहाँ के पर्सनल नंबर रहे लेकिन अभी यहाँ के नया आयल बनी अभी यहाँ से हमनी के कोनो तरीके के अथी नहीं के ऐसे पर्सनल नंबर नहीं के तो थाना के जो सरकारी नंबर पर कॉल आदमी कैल से लेकिन यहाँ के फोन ना उठे नहीं है ओकर बाद वरीय अधिकारी DSP सर के हम 7 बजे कॉल कनी है कि सर ऐसे ऐसे घटना हुई है मेरे साथ तो वहाँ के कहानी है कि ठीक है हम कि थाना का नंबर नहीं लग रहा है तो कहने के ठीक बा हम करके प्रयास कर बोल देते नहीं कोनो माध्यम से वहाँ के शायद सूचना देनी हो हाँ। फिर आधा घंटा बाद भी कोई ना आए तो फिर हम दोबारा वहाँ के फ़ोन करनी हो हाँ। तो वहाँ कहने के ना नंबर दे दिए हैं हम हाँ। कि आपसे एकदम पहुँच रहा है वो हाँ। ठीक बा ओकर बाद आधा घंटा के बाद एगो टीम आई थाना के SI कोई रहा वहाँ कहनी है तब अपन जौन भी प्रक्रिया रहा फोटो वोटो खींचनी है ताला शटर के चाहे मान ली कि अपन दुकान के नाम पता लिखनी है कहने के जाके थाना पे आप लोग आवेदन दे दीजिए थाना पर हमने के आवेदन देवे कहनी है सन हमें मान ली कि रहो रनी और साथी लोग पत्रकार साथी लोग तमाम रहो ओ जी चौकीदार साहब रहें हाँ तो उनका से सूचना दिए कि भाई ऐसे ऐसे घटना हो गई बा एक के कुछ मैंने सर के सूचना दिया कि हम नहीं आयल बनी सन वो गए हैं बेचारे सूचना देवे से वापसी अल हाँ तो कल हम सर अभी सुतल बनी आवेदन दे दी लोगिन हम कहने के रहुआ के तो हाँ हम रिसीविंग देम रहुआ तो कहें कि ना भाई रिसीविंग तो हम ना दे पाए हम कहें तो मान ली कि ओडी में के बट के ड्यूटी बा हाँ तो जी ड्यूटी के का ले बन हम तब तो आवेदन हम रुआ के ना दे मान ली जब अथराइज पर्सन कोई अले नहीं के काल रुआ कहीं कि हम आवेदन नहीं खिले ले तो फिर हम कहाँ जाए तो हमारे अथराइज पर्सन रुआ को अथी होके कि आवेदन लेवे आला तो हम मोटा मोटी हमारे बुझाते कि थाना पर तो एगो विजुअल भी रुआ लगे बढ़ले बा चूँकि थाना पर भी रुआ बने नहीं है लेकिन कि कोई नहीं खेजी थाना पर एगो चौकीदार अल हन भी तो उनका से संतोषजनक मैंने हमने के कोनो बात नाचित भैल चूँकि अधिकारी एगो अधिकारी होला तो अधिकारी से तो बात भैल ना मिले के तैयार न रहें अधिकारी सूचना उन्हें से अल कि बोल दो कि लेट से आए हैं छपेमारी से तो सोए हुए हैं ठीक बा दिन के 9 बजे रहल आ मान ली कि 9 बजे रुआ सुतल बानी तब तो चौकीदार और थाना चलाव तरह तब मान ली कि तब ऐसे बड़का बात का चाहिए कि जब दरौंदा थाना ही चौकीदार साहब थाना चलाव हाँ थाना प्रभारी साहब घर में सूती
तो मान ली कि तब तो ऐसा घटना बहुत आम चीज बा एक के अब वो नजीरा से बहुत बड़ा घटना ना कहे चूंकि पिछला हफ्ता दिन के रू आंकड़ा निकाल ली तो चितामनपुर में दूगो घर में चोरी चूंकि हम पत्रकार नहीं तो डाटा हमनियों लगे बावे तो चितामनपुर में दूगो घर में चोरी के सूचना मिला रहा है हमनियों कर वो मिल रहे हुई जी हाथोपुर में सरपंच सॉरी उजाए में सिसाओ पंचायत हो गांव उजाए हो सरपंच साहब के घर में चोरी दो तीन दिन पहले के सूचना मिलल हुई आ एगो कोई और घर में चोरी मतलब दू गो घर में हो जी चोरी भैया घटना ओकरा बाद काल तो मान ली कि ए बेरा के सेम टाइम होता आधा घंटा आगे पीछे काल बैंक के ऐसे मुँह से 2-2.5 मीटर के दूरी बा 2.5 लाख के लूट हो जी हो गई पैसा के बल पे आ ओकरा चौगुना वही रात में चूंकि हमनी के जहाँ तक मानल बा कि प्रशासन के जहाँ कोनो घटना होला तो एक्टिविटी ज्यादा रहला प्रशासन के तने से हो जी अपन सोर्सेज ज्यादा लगावे ले कि हो जी के एक्टिविटी के भाप सके वो सोर्सेज में मालूम चल के पुलिस के नाक के नीचे से मोटा मोटी 8-9-10 लाख रुपए के हमार चोरी हो गई अभी चोरी करे में कम समय नहीं लागल कम से कम 5-6 घंटा लागल बा चूंकि छड़ हाँ। एगो छड़ के लेंथ होला 40 फीट जो के फोल्ड करके रखा ला तो 20 फीट बीस हाँ। फीट के वजन 50 किलो के बंडल वजन उठावे में कम से कम 3 आदमी हाँ। ट्रंक पर 5 फीट ऊपर उठ के रखा ही ना हो हाँ। कम से कम ऊपर मैंने कुल मिला जुला के हमने के जोन अपन व्यवसाय के अथी से बावे अनुमान बा चाहे जो आइडिया बा कि कितना आदमी काम कर सकता रहे तो 7-8 आदमी के ही काम बा समय कम से कम 5-6 घंटा कम से कम हाँ। मन एकदम मेहनती हुई है पानी पिए पेशाब करे ना गोल हुई है तब हाँ। हमने के 10 टन 12 से माल उतारे नहीं सन हाँ। तो सुबह से शाम लेबर लोग जिला के जिला चार जाने के उतारे में तो लोडिंग में उसे डबल मेहनत लगे ला हाँ। उतना प्रोसेस है जैसे मात्र 250 मीटर पर कल दिन में लूट भइल बा मात्र 250 मीटर 250 मीटर 200-250 ये हुई 10 मीटर ज्यादा या कम आ इतना में वही रात में ए जी दुकान पे हमरा चोरी होता ट्रंक लगा के ओकरा के आराम से शटर खोल के उठा के सामान ढो के रात में रखा था पुलिस के कोनो खबर एसपी साहब तो तेज तरार आइल बनी लेकिन थाना पर भारी काय सुस्त बनी अब तो आवेदन भी हमने नहीं से दिले अब तो जाते हैं एसपी साहब के आवेदन देवे अब तो वो जी देखल जाओ कि अब वहाँ से का आश्वासन मिलते वहाँ के क्या कार्रवाई करते नहीं क्या मांग करे के चाहते रहो पत्रकार बनी और बिहार थाना प्रभारी के रहला से क्या फायदा जब थाना के चौकीदारे साहब थाना चलई हैं हाँ। तब चौकीदारे के हवाले थाना कहते हो थाना प्रभारी के घरे भेज दिया हाँ। जी रहला से तो हमरा नहीं बुझात कि ऐसा जगह थाना प्रभारी के रहला से कोनो फायदा बा लगभग मान लेकिन हाँ। ओडी ड्यूटी में कोई बा हाँ। आम जनता जाके जानतो ना कि ओडी का कहला ओडी ड्यूटी का कहला चाहे के बा लेकिन हमने तनी सा आदमी आवेला जाला थाना में तो बहुत कुछ ऐसा जाना था हमने के सवाल करके को हिम्मत रखा ला कि भाई रुआ कहाँ रहनी है चाहे समय पर काहे नहीं किया हमारे यहाँ बात हम बोलत नहीं हाँ। जब हमने के साथ ऐसा घटना होता तो आम जन तो समझे के जात हुई तो का दशा थाना पर होती चौकीदारे साहब दरोगा साहब को कैसे बताओ मैटर बा सेंसिटिव बा एनएच के लगे आ वो पत्रकार के छोड़ उठ बा आ जबकि पेट्रोलिंग होला बराबर ए जी रोज गाड़ी लागे ला थाना के ये तो समझ में नहीं किया होत कि रोज ए जी थाना लग के वसूली हो तो लग काल काहे नहीं खेला गोल हाँ। रात गाड़ी के थाना कहाँ रहे थाना के गाड़ी कहाँ रहे सस्पिशन है बा सस्पिशन बढ़ ले बा तो क्वेश्चन मार्क खुद करते नहीं कि थाना पे भाई नौ बजे अभी रुआ मिलनी ना एगो तो पूरा टीम हमनी के गोइल बा अकेले तो हम गोइल ना रहनी हो के रुआ सोच लो हम के पीड़ित आइल बा मान ली कि पत्रकार महकमा पूरा टीम रहल आ रउरा मिलल मुनासिब ना समझनी के रुआ यहाँ पत्रकार सवेरे गोइल बा इतना बड़ा घटना भइल बा एक मतलब रुआ नजर में घटना बहुत नाम छुद मान के बा कुछ दुछ मान के घटना बा रुआ नजर में घटना के रुआ कोनो महत्व नहीं की दे हम तो मान ली कि समझल जाओ तीनों समझ जा सकते कि रउरा नजर में ये घटना कुछ नहीं के ऐसे न मान ली कि पत्रकार के टीम गल 9 बजे आ रहा उठ के मिलल मुनासिब ना समझनी रउरा नजर में ना पत्रकार के कोनो वैल्यू बा ना ही ये घटना के कोनो वैल्यू बा रउरा खूब अच्छा से संदेशा भेजवा देनी वही चौकीदार से जमुना चौकीदार से हमने संदेशा भेजनी सन कि सर के सूचना दो कि हमने आइल बनी वही चौकीदार से सूचना भेजा देने की कह दो कि सर सुतल बनी आवेदन रुआ दे दी वहाँ क्या हम तो अपन आवेदन देख ले तो जब देखा ही खातिर हुआ के आवेदन दिया आई तो वो आवेदन हमने के सिवान अधीक्षक महोदय के दिया आई कि वहाँ के आवेदन देखे कि कम से कम रउरो बारे में तो वहाँ के पता चले कि रउरा कौन तरीका से जी ड्यूटी करत नहीं अच्छा क्या मांग करे के चाहते हैं एस पी साहब से मांग करे कि मान ली कि इमें जाँच हो विशेष रूप से इमें जाँच कल जाओ आ लापरवाही बरते वाला अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई कल जाओ चूँकि इमें हमारा देखे से तो खाली लापरवाही लागत
एमे प्रशासन के अब मान ली कि वरीय अधिकारी अब रोवा यहाँ कोनो घटना हो जाए रोवा दरावंदा थाना के फोन करी आ मालूम चले कि यार फोन ना लागू बेस्ट टोन पे जाओ तरोरा का करे सबसे गरीब केहू के कोनो घटना हो तो सबसे उम्मीद पहले जाएगा थाना चाहे वो मारपीट होके चाहे चोरी चमारी होके चाहे कोनो के केहू के साथ जोर जबरदस्ती होके चाहे कोनो भी गलत सही काम में सबसे लोग आसान चीज बुझेला कि भाई थाना हम जाए तो हमारा सहारा मिली निष्पक्ष जाँच हो जी एगो सहारा के जगह बनल बा आ वो जगह पर जी तानाशाही चलता तानाशाही ना रही तो 9 बजे तक अफसर कहाँ बढ़े 9 बजे तक खाली रहू चौकीदार चलावत रहे थाना अफसर चाहिए जी अफसर चाहिए 9 बजे तक 9 बजे तक अफसर कहाँ बढ़े चली कहीं ना कहीं एगो पत्रकार के संग है थाना प्रभारी के ई रवैया बाटे तरवा खुद सोच सकत रही कि आम पब्लिक कैसे जियत हुई यहाँ के पापा जी के अगर हम कहीं हालत काफ़ी ख़राब बटे वो घटना के सुनला के बाद और देखी कैसे अजीबो गरीब तरीका से ट्रक लगा के पीछे से शटर तूर के देखी पीछे अब तक नहीं है शटर तूर के फिर हॉलॉक तूर के और आराम से 15 क्विंटल रोड के लग 15 टन लगभग अगर 10 से 15 लाख बताओ जाते हे जी ट्रक लगा के आराम से लूट ला जा चोरी कर ला जाता और दनादा थाना के अभी तक पते नहीं के चला जबकि पेट्रोलिंग में है होला वो पेट्रोलिंग होला तो बालू से रुपया जरूर लिया ला और दारू से रुपया जरूर लिया ला सूचना वरीय अधिकारी के सूचना दिला के बाद 1 घंटे के बाद थाना आयल बार वो समझ सकत के इसे थाना के दूरी कितना बा मजब 400 मीटर हुई 500 मान ली आ तब थाना का तो सुबह के समय तनि तैयार होके में समय लग जाला अब जी मान ली कोनो तो चोरी के संग घटना रहल और मान ली कोनो केहू के हत्या हो तो फोन केहू करे सूचना देवे के चाहे कि हमार हत्या होके अलावा वो जी मालूम चले कि या तो व्यस्त बिजी टोन पर फोन बा लागी ना आ यदि बड़े अधिकारी के सूचना दिल तो थाना के पहुँचे के तले हत्या होके पोस्टमार्टमो खातिर चल जाए तब थाना पहुँची चूँकि आदमी तो ये ना समझ लगे थाना के सूचना के मतलब कि तुरंत कार्रवाई आ ऐसा स्पॉट पर मान ली कि DSP साहब के फोन कैला के 1 घंटा बाद थाना आइल अब ऐसे अंदाजा लगा सकत नहीं रहुआ कि बड़े अधिकारी के भी कहला के कितना सम्मान प्रभारी करत नहीं है के अब मैं विशेष कहला के जरूरत नहीं के रेट में सब लोग समझदार बा आ वो चीज़ के बखूबी सभी समझ सकता देखिए ये भारत ट्रेडर्स दुरौधा में जो NH 531 के पास ये घटना के अंजाम दल गई बटे ट्रक लगा के लगभग 15 टन ए जी 10 से 15 लाख के चोरी कर रहा जाता था वो छोड़ के कहीं ना कहीं जांच के विषय बाटे और जौन प्रकार से एगो पत्रकार के यहाँ घटना का अंजाम दल बाटे निष्पक्ष जांच होकर के चाहिए और जौन तरीका से बुलंद हौसला के साथ चोर आइल बड़ा सन का लूट के घटना भी भइल बटे लूट के घटना के बाद भी इतना चोर सन के बुलंद हौसला बटे कि पुलिस के चुनौती देते रहसन कि पुलिस हम सब बहुत कुछ कर ले सन रहो कुछ ना कर पाए बड़ा जौन भी चीज़ बा मैच बॉक्स के माध्यम से देखते रहें।